हेलो एंड वेलकम टू NCERT ZONE। आज हम NCERT मैथ क्लास 6 के सेकेंड चैप्टर होल नंबर्स के थर्ड टॉपिक या होल नंबर के फिफ्थ टॉपिक पैटर्न ऑफ होल नंबर्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारा होल नंबर्स का लास्ट टॉपिक है, पैटर्न ऑफ होल नंबर। पैटर्न ऑफ होल नंबर में हम देखेंगे कि होल नंबर को किस किस पैटर्न में यूज कर सकते हैं, किस किस पैटर्न में होल नंबर को लगा सकते हैं, जैसे कैसे हम लाइन की तरह होल नंबर को अरेंज कर सकते हैं, कैसे हम स्क्वायर की तरह अरेंज कर सकते हैं, कैसे रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल की तरह होल नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो उसी को पैटर्न ऑफ होल नंबर के पैटर्न में देखेंगे। तो पहला है, एवरी होल नंबर कैन अरेंज अस लाइन। एवरी होल नंबर कैन अरेंज अस लाइन। किसी भी होल नंबर को एज ए लाइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम नंबर 2 लिखे या फिर 3 लिखे या फिर 4 लिखे, 2, 3, 4, मतलब किसी भी होल नंबर को लाइन की तरह अरेंज कर सकते हैं। और सेकेंड है, उसके बाद नंबर कैन सो अस रेक्टेंगल, मतलब होल नंबर को हम रेक्टेंगल की तरह भी यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल की तरह जैसे 4 है हमारा, या फिर 6 ले लिए, 8 ले लिए, 4, 6 में क्या है, तीन कॉलम है, दो रो है और तीन कॉलम है, 2 रोज एंड 3 कॉलम। और 8 में 2 रोज रो एंड 4 कॉलम, 2 रोज और 4 कॉलम प्रेजेंट है। स्क्वायर और नंबर को फिर से हम स्क्वायर की तरह अरेंज कर सकते हैं। होल नंबर को कैन अरेंज स्क्वायर, नंबर को स्क्वायर की तरह हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम नंबर लाइन लिए, 4 लिए, 16 लिए, तो 3 कॉलम और 3 रो, 3 कॉलम प्रेजेंट है, 3 कॉलम एंड 3 रोज। तो यहाँ पे ये हमारे स्क्वायर शेप में है, 4 भी हमारे स्क्वायर शेप में है, क्योंकि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम प्रेजेंट है। 16 भी हमारे स्क्वायर शेप है, 4 रो और 4 कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके बाद हम होल नंबर को ट्रायंगल की तरह यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल की तरह अरेंज कर सकते हैं। सम होल नंबर कैन अरेंज अस ट्रायंगल, सम कैन अरेंज अस ट्रायंगल। ट्रायंगल कहते हैं जैसे हमारा 3 हुआ या फिर 6 हुआ, तो 3 में हम 1, 2, 3, ये हमारा ट्रायंगल की तरह अरेंज है। और 6 में 1, 2, 3 और 3 to 5, और ये 1 हमारे, ये भी हमारा 6 में ट्रायंगल की तरह हमारे अरेंज हो गया। और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन के पैटर्न को देखेंगे, मतलब होल नंबर्स का हम कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। पैटर्न ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे होल नंबर्स का पैटर्न हमें गाइड इन सिंप्लीफिकेशन। होल नंबर का प्रोसेस हमें सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में गाइड करेगा। जैसे हम एक नंबर लिखते हैं 220 प्लस 9,
तो इससे हम लिख सकते हैं 220 प्लस 10 माइनस 1, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 230 माइनस 1 इक्वल टू 229। तो इसे हम सिंप्लीफिकेशन के, इस ऑब्जर्वेशन को हमने सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में यूज किया। और उसके बाद है, उसके बाद सेकंड है, कैन हेल्प इन ऐड और सब्सट्रैक्ट नंबर इन फॉर्म इस नंबर को किसी भी नंबर को, जैसे इस फॉर्म में, जैसे 9 हुआ या फिर 99 हुआ या फिर 999 हुआ या फिर 49 हुआ, 4×9 हुआ, इन नंबर्स को किसी भी नंबर्स में जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे कि हम किसी भी नंबर में जोड़ने में या कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। जैसे 84 को हमने पहले 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसे ऐसे लिख सकते हैं 84 × 10 - 1, तो हमारा हो गया 840 - 84, तो टोटल नंबर हमारा हो गया 756। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 84 × 99, अगर होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 84 × 100 - 1, और फिर से 84 × 999 हुआ तो 84 × 1000 - 1, फिर से हुआ हमारा 84 × 9999, तो हम लिख सकते हैं 84 × 10000 - 1। और इसके बाद है हमारा ये ऑब्जर्वेशन पैटर्न, होल नंबर को ऑब्जर्वेशन कर ऑब्जर्व करने का पैटर्न। हमें किसी भी नंबर को इस पैटर्न में भी मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। नंबर बाय 5 125 125, किसी भी नंबर को इन नंबरों से मल्टीप्लाई अगर करना हो तो भी होल नंबर का पैटर्न हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे हमारा 84 हमारा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 8 ले लिए, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसे हम लिख सकते हैं 8 × 10/2, तो फिर से हमारा हो जाएगा 8 × 2 = 8, टोटल हमारा नंबर हो गया 40। और इसे फिर से हम लिख सकते हैं 8 × 25, तो फिर से 8 × 25 को लिख सकते हैं 50/2, तो 50/2 तो चलेगा नहीं, 100/4, तो 100/4, 4×2 = 8, टोटल नंबर हमारा हो जाएगा 200। फिर से हम लिख सकते हैं 8 से अगर हम 125 को मल्टीप्लाई किया तो हम लिख सकते हैं 8 × 1000/8 125 लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर हमारा हो गया 1000। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पैटर्न ऑफ होल नंबर्स को पढ़ा, होल नंबर्स के पैटर्न को जाना, उसके पैटर्न्स को देखा, ऑब्जर्व किया, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए NCERT ज़ोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा एनुअली हर वीडियोज की जानकारी आपको मिल सके, और इसे अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।